दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश, यहाँ पे डाकू माए जाते हैं, जहाजे लूट लेता है। एक वो पनिया वाली जहजिया पे कितना का सामान होता है, कप्तान के मुड़िया पर टान देगा बंदूक। अच्छा आप इनको कुछ कह भी नहीं सकते, इंडियन आर्मी पकड़ ली थी। दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश है सोमालिया। कौन देश है? सोमालिया। यहाँ पे डाकू माए जाते हैं, जहाजे लूट लेता है सब। ये है सब लुटेरे, सब डाकू सोमालिया वाला। देखिए इसको, जहाजिया पे चढ़ जाते हैं सही से, छोटे जहाज लेके आते हैं चढ़ जाते हैं सर। जहाज में क्या जाता है? चढ़ जाते हैं सर। अच्छा आप इनको कुछ कह भी नहीं सकते, रीजन क्या है समझिए ध्यान से, इनका ट्रिक समझिएगा क्या होता है। लड़की लोग हंसो नहीं, कोई ठीक नहीं है। अगर नौकरी नहीं हुआ आप ध्यान दीजिए, यहां ये सब आप लोग का रियल मोटिवेशन है। ये सब क्या करता है ऐसा समझिए, एक छोटी जहाज लेके बोट लेके आता है ऐसा पानी वाला, और उस बोट में ना ये मछली पकड़ने का सामान रखे रहते हैं। देखिए मछली पकड़ने का, और जब इन्हें क्या करती है पुलिस पकड़ती है, ये बंदूक लिए रहते हैं साइड में, जहां पूछोगे बंदूक वह गिरा देंगे सब नीचे पानी में। गया काम से, कहा हम तो मछुआरा हैं, मछली पकड़ने आए थे। और कोई भी देश अगर कोई भी जहाज सोमालिया के आसपास से गुजरता है ना, जैसे यहाँ पे, तो चारों ओर से घेर के पकड़ लेते हैं वहाँ पे। और किसी भी जहाज पर कॉमर्शियल चीजों पर जो एक देश से दूसरे देश में जाता है, उसमें आप हथियार नहीं यूज कर सकते, हथियार यूज नहीं कर, अलाउ नहीं होता है। अब इन लोग के पास क्या होता है? हथियार। अब धीरे अब आके आपके जहाज में सटा देंगे सब। अब दो को गोली चलाते रहेगा, दर 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 चलाएगा, तो आप झांक तोड़ी पाइएगा वहां पे, आएगा सीढ़ी फेंक के चढ़ जाएगा वहां पे। एक को चढ़ गया तबाही मचा देगा, आपके पास हथियार है नहीं, इसके पास हथियार है, समझ गए कि नहीं? हथियार वाले के पास जल्दी कोई जाता नहीं, मार देगा। और AK-47 एक सेकंड में 16 गोली मारता है, इस सबसे कोई लड़ेगा? यहाँ पे जहाज को क्या करता है? बंदी बना देते हैं, बना देंगे सर। उसका क्या, फोन करो हेडक्वार्टर, इतना पैसा चाहिए तो हम जहाज छोड़ेंगे, उतना पैसा ले लेंगे सब, उसका जहाज छोड़ेंगे सब। तो सबसे भ्रष्ट देश। अब इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो जहाज जो होती है पानी वाली जहाज, उसके साइड साइड में कटीला तार लगा दिया जाता है, और नहीं तो जेट स्प्रे मारा जाता है, पानी का हैवी प्रेशर मारा जाता है कि जहाजिए पलट जाए। इन सो का हैवी बहुत प्रेशर होता है पानी का, पानी वाली जहाज में तो पानी की कमी नहीं है, पानी लेगा। और बड़ी जहाज होती है उसमें बड़का मोटर फिट कर देगा, और उसी को ना जैसे जिधर से चढ़ेंगे रिमोट कंट्रोल से देख लेगा, कैमरा हर जगह कैमरा लगा किधर से चढ़ रहे हैं, अब मारेगा उधर से, इतना जेट स्प्रे की परेशान हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन तब ये भी होशियार होंगे, चार को पांच को जहाज लेके एक ओर आ जाते हैं, आप एक को मारिए तो दूसर का ओर से चढ़ जाएगा, उधर से चढ़ जाता है यहाँ, समझ में आएगी नहीं क्या? इन सब का यही काम ही है यहाँ पे, पकड़ा जाते हैं लोग तो बहुत बुरा मार मारता है सब यहाँ पे। कई बार इंडियन आर्मी पकड़ ली थी इन सब को, बड़ी मार मारी थी, नहीं समझ में, इंजन रूम में जाके छुप गया था सब। कैप्टन फोन कर दिया कि हम लोग के ऊपर क्या हो गया है, अटैक हो गया है, तो इंडियन नेवी ने बोल दिया कि एक काम करो तुम लोग सेफ रूम में घुस जाओ। तो जहाज का कई रूम होता है, सेफ्टी रूम, उसमें घुस गया, जहाज छोड़ दिया, जहाज डूबेगी थोड़ी ना, हो तो वहीं पड़ी है। और उधर से इंडियन नेवी उतार दी हेलीकॉप्टर से जहाजिए पे, आई सब एकदम देखने सकले से पहचान में आ जाता है सर, नहीं समझ आया? हाँ क्या कह रही है कि सर इतना काला है कि पिटाने के बाद काला दाग होगा तो पता नहीं चलेगा कि पिटाया है, नहीं समझे? बेचारा कितना ये सब देख रहा हो यहाँ पे, एकदम खतरनाक खतरनाक है सब, कब्जा कर लेता है जहाज, करोड़ों करोड़ों रिश्वत मांगते हैं सब। अब जहाजों पे बहुत ज्यादा क्या होता है, सामान लदे होते हैं, अरबों खरबों का
सामान हो गया। अब जैसे एक कंटेनर है, एक कंटेनर में आपका 1000 पीस लैपटॉप आता है, 1000 पीस एक कंटेनर में कितना आता है, कम से कम 1000 पीस आता है। और 1 लाख का मान के चलिए मैकबुक आ गया एप्पल का, 1 लाख का, तो 5 × 0 1 लाख में गया, और 1000 में 3 × तो 5 × 3 = 8, 10 करोड़ हो गया। कितना हो गया देखिए, 10 करोड़। एक वो कंटेनर घुमाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 करोड़। और ऐसे ऐसे 5000 कंटेनर होते हैं, समझ में आ गया, तो 5000 करोड़। एक वो पनिया ली जहजिया पे कितना का सामान होता है, 5000 करोड़। बंदी बना लेगा, कप्तान के मुड़िया पर तान देगा बंदूक, मंगाओ इतना पैसा तो छोड़ेंगे, उतना पैसा मंगाना पड़ेगा, नहीं देगा तो मार देते हैं सब, नहीं दिया तो मार देते हैं सब। उन सबको जहाज चलाने आ जाए, जहाजिया चले ला कौन बड़ काम होता है, उस सबको सब आता है। कोई देश एक्शन क्यों नहीं लेता है, इस सब हथियार फेंक देता है, कहता सब मछलियों ना मारे। ये बताओ आप दुनिया को छोड़ो ना, आप अपना देश देखो, नक्सलाइट का सॉल्यूशन मिल गया, तो तुम चल गया वहां पे सोमालिया को सॉल्व करने, बताओ, वो भी इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल में सबका लिमिटेशन होता है, आपका अपने देश में कोई लिमिटेशन नहीं ना जी, सीआरपीएफ से लेके आर्मी एयरफोर्स सब है, नक्सल सॉल्व हुआ नहीं ना, गए हैं सोमालिया सॉल्व करने, वहां आप हथियार लेके नहीं जा सकते हैं, सारा देश आपको हम बता रहे हैं, जैसे आपको इतना आसान लगता है सॉल्व करना, तो एक बार नक्सल समस्या देखिए, आप चारों ओर से घेर सकते हैं उनको, इन्हें नहीं घेर सकते, इंटरनेशनल रूल कुछ होता है ना, आप पर्सनल किसी सोल्यूशन के लिए रूल नहीं बना सकते हैं।